हर चीज को निजी हाथों में देने की आपकी योजना है और इसके तहत जो अभी तक 27 एयरपोर्ट मेजर एयरपोर्ट की सूची में आते हैं वो घट के उनकी संख्या 10, 11, 12 की रह जाएगी। उसमें आप कुछ बड़े प्लेयर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आएंगे जिसकी शुरुआत आपने कर दी है। 6-8 एयरपोर्ट आपने अडानी ग्रुप को दे दिया है। आप हर चीज को निजीकरण करने की अपनी योजना को बंद कीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप LIC बेच देना चाहते हैं, कोल इंडिया बेच देना चाहते हैं, आप एयर इंडिया बेच देना चाहते हैं, BSNL बेच देना चाहते हैं, रेल बेच देना चाहते हैं, बिजली आपने पहले बेच दी, पानी आपने बेच दिया, आप सब कुछ अगर बेचते रहेंगे, निजी हाथों में देते रहेंगे, धीरे धीरे सारा कुछ देश ही बिक जाएगा अगर यही हालत रही आपकी। तो इसलिए देश को बेचने की इस योजना पर रोक लगाइए। कुछ अपने ऊपर भी विश्वास रखिए, कुछ सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी विश्वास रखिए। जो सरकारी कर्मचारी रेलवे में वर्षों से काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज आपने फैसला ले लिया रेल का निजीकरण करेंगे, उसकी शुरुआत आपने कर दी, शताब्दी को बेच रहे हैं आप, फिर आप प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं, इसी तरीके से जेट एयरवेज की क्या हालत है, जेट एयरवेज को आज आपने भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिया। आप प्राइवेट प्लेयर्स में जहां पर आपकी मर्जी होती है वहां पर आप मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। 5.5 लाख करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया पिछले 5 सालों के अंदर, लेकिन जेट एयरवेज जिसके कर्मचारी आज भुखमरी की कगार पे हैं मान्यवर, और 4 कर्मचारी उनके या तो आत्महत्या कर चुके हैं या सदमे से बीमारी के कारण उनकी जान जा चुकी है, वो एयरपोर्ट के, वो जेट एयरवेज के एम्प्लॉय जिनकी संख्या 15,000 है और जिनसे जुड़े हुए लोगों की संख्या लगभग 1 लाख है, उन लोगों को आज आपने भुखमरी की कगार पे पहुंचा दिया। 6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं आपके सामने, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी कोई आपके अंदर की जरा सी भी संवेदना पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इतने बड़े सेक्टर को आप डूबने दे रहे हैं, आप एयर इंडिया को आज घाटे में कैसे पहुंचा है यहां बैठे हुए सारे लोग जानते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्लाइट्स थी उनकी, उनके समय आपने बदल दिए, उनके उड़ानों के टाइम आपने परिवर्तित कर दिए, आपने अनाप शनाप उसके टैरिफ बढ़ा दिए, तो इसके कारण से कहीं कोई नियंत्रण आपका नहीं रहा। सब कुछ बेचने की तैयारी में मत रहिए, बेचने से काम नहीं चलेगा। और आप लोग उस संस्था से निकले हैं जो स्वदेशी का आंदोलन चलाते थे। मान्यवर, अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बचपन में स्वदेशी जागरण मंच के लोगों को गली गली जाते हुए मैंने देखा है, पर्चे बांटते हुए, ये तेल इस्तेमाल किया करो, ये साबुन इस्तेमाल किया करो, ये सर्फ इस्तेमाल किया करो। आप लोग हर चीज निजी हाथों में देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं, रेल हो, पानी हो, बिजली हो, एयरपोर्ट हो, सब आप, कोयला हो, सेल हो, HAL हो, सब आप बेचने के लिए तैयार हैं। ये ठीक नहीं है, इसलिए इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।